हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जयपुर ट्रेडर्स क्लब में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ मेरी फाइनल पोजीशन। ओके, तो आज की मैंने दो ट्रेड ली हुई है दोस्तों, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आज की हम लोगों की फाइनल पोजिशन रही है 2960 रुपये की। दोस्तों, मॉर्निंग में मैंने डे स्टार्टिंग में मैंने 37,500 का कॉल जो है इसको 50 क्वांटिटी में शॉर्ट किया हुआ था, और साथ के साथ में 39,500 का कॉल जो है 75 क्वांटिटी में बाई किया था। बाइंग सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ मार्जिन पाने के लिए ली हुई थी। ओके, तो इन दोनों को मिलाकर के मेरी फर्स्ट ट्रेड थी। तो इस फर्स्ट ट्रेड में मैंने यहाँ 1,207 रुपये का पिट बुक किया है, और इसका मैंने लाइव वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ यूट्यूब पर मैंने शेयर कर दिया है। ओके दोस्तों, उसके बाद में मैंने 2 बजे के बाद में ये फ्यूचर में ट्रेड ली थी, दिसंबर फ्यूचर की बैंक निफ्टी की। इसमें हम लोगों ने 1,741 रुपये का यहाँ प्रॉफिट बुक किया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ओके, तो क्या लॉजिक था, क्या सेटअप था, वो मैं इस फ्यूचर वाली ट्रेड का आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए हम आते हैं इंडेसिस के चार्ट पर। तो इंडेसिस के चार्ट पर, 15 मिनट के चार्ट पर और 5 मिनट के चार्ट पर मैं यहाँ मार्केट को एनालिसिस कर रहा था। तो दोस्तों, इंडेसिस के चार्ट पर मैंने यहाँ 5 मिनट के चार्ट पर ऑलरेडी ये ट्रेड लाइन ड्रॉ की हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो इस ट्रेड लाइन के हिसाब से मैंने यहाँ देखा कि मार्केट जब तक इस ट्रेड लाइन को ब्रेक नहीं करता विद वॉल्यूम, तब तक मैं यहाँ अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कराऊंगा, ऐसा मेरा प्लान था। तो मार्केट ने यहाँ सबसे पहले इस ट्रेड लाइन को यहाँ ब्रेकआउट दिया, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया मार्केट, और यहाँ से मैंने वेट किया सेकेंड ब्रेकआउट का। फिर मार्केट ने इस वाली कैंडल ने, यानी कि ऑलमोस्ट ये वाली कैंडल है यहाँ से 2:15 वाली, इस वाले कैंडल का हमें यहाँ ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट के बाद में नेक्स्ट कैंडल जैसे इसको परसिस्टेंट होती दिखी, तो मैंने अपने ट्रेड को फ्यूचर में एग्जीक्यूट करा दिया। यहाँ भी मैं मार्केट को टैली कर रहा था सिंगल मिनट के हिसाब से। ओके, तो मैंने अपने ट्रेड को 2:22 पर एग्जीक्यूट कराया। मेरी एंट्री जो थी यहाँ थी फ्यूचर के हिसाब से 37,540 पे मेरी एंट्री थी दोस्तों। ओके, यहाँ से ये 37,540 का लेवल था, यहाँ से हमारी एंट्री थी। और टारगेट क्या था दोस्तों, टारगेट मैंने सिंपल प्लान किया था, जो आज का हाई था उससे पहले, ये देखिए मैंने यहाँ ये ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये जो लेवल बनाया हुआ था, इस लेवल से पहले पहले मुझे कहीं मार्केट से निकलना था, ये मेरा टारगेट था। क्योंकि ऑलरेडी हम मार्केट में लेट थे, 2 बजे के बाद हमने ट्रेड लिया, ऑलमोस्ट मार्केट खत्म होने में ये मान के चलिए 1 घंटा था, इसीलिए मैंने नॉर्मल में ट्रेड ली थी। तो मैं यहाँ कोई बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मात्र 70 पॉइंट लेकर के मैंने यहाँ से अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दिया दोस्तों। और टारगेट क्या था, टारगेट सिंपल था दोस्तों, यहाँ से 37,610 का मेरा टारगेट था। सिंपल, हमने यहाँ से 70 पॉइंट ग्रैब किए, और उसके बाद में देखिए जैसे हमारा यहाँ टारगेट अचीव हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में, हमारी एंट्री के बाद में जो फर्स्ट अटेम्प्ट लगा था, मार्केट ने लेवल के आसपास जो भी स्टॉप लॉस पड़े थे वो हिट करने के बाद में मार्केट ने थोड़ा डाउनफॉल दिखाया, और उसके बाद रिट्रेस करते हुए मार्केट ने एक अच्छा खास सपोर्ट दिखाया और हाई लगाया 37,680 से ऊपर का, यानी कि डे का हाई था इसका 37,686 का। ठीक है दोस्तों, पार्ट ऑफ के मार्केट ने हाई लगाया, उसके बाद में देखिए यहाँ से सडन प्रॉफिट बुकिंग मिली है, और मार्केट ने यहाँ से क्लोजिंग देते देते मार्केट ने एंड ऑफ द डे पे यानी कि 548 के लेवल के आसपास क्लोजिंग दी है फ्यूचर के हिसाब से। वहीं इंडाइसेस के हिसाब से मार्केट ने क्लोजिंग दी है 37,664 का। ओके, 364 की यहाँ क्लोजिंग दी हुई है। तो दोस्तों, ये हो गई मेरी आज की फाइनल पोजिशन आप लोगों के साथ डिस्कस। लॉजिक था, क्या लॉजिक था दोस्तों, एक तो ब्रेकआउट, ठीक है, दूसरा क्या था दोस्तों, दूसरा सेटअप क्या था इसके साथ साथ, ब्रेकआउट के साथ साथ मेरी इन्फॉर्मेशन अगर हम यहाँ ध्यान से देखते हैं, मैंने यहाँ बॉटम टू टॉप का ये फिबोनाची लगाया होता जो मार्केट की रिसेंट रैली थी। तो यहाँ से एग्जैक्ट अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ से ये देखिए एग्जैक्ट 50% के लेवल से मार्केट आज सपोर्ट लिया। आज के दिन की बात कर रहा हूं मैं, कल के दिन की बात नहीं, ये कल के दिन की बात थी। तो दोस्तों, मार्केट ने एग्जैक्ट 50% के लेवल से सपोर्ट लिया, और मल्टीपल टाइम यहाँ से सपोर्ट फेस करने को मिला मार्केट को इस लेवल पर। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये देखिए मार्केट ने सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, सस्टेन हुआ, अगेन अपमूव दिखाया, अगेन ब्रेक डाउन किया लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, और डबल बॉटम जैसे यहाँ प्रिटेंड कर रहा था मार्केट। और साथ के साथ में ये देखिए यहाँ से मल्टीपल टाइम पे इसी लेवल सेम 50% के लेवल मार्केट ने रिटेस्ट किया, और इसी के ऊपर से यहाँ से सपोर्ट ले रहा था। तो यहाँ से मैं कॉन्फिडेंट हो गया था कि यहाँ से मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है अगर हमें बाइंग साइड के लिए जाना है। तो दोस्तों, यहाँ मैं दोनों ही सिनेरियो रख रहा था, अगर बाइंग साइड के लिए जाना है तो इस वाली ट्रेड लाइन का हमें ब्रेकआउट देखना होगा, जब भी उसके बाद ही हम यहाँ से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कराएंगे। अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो ये सपोर्ट लेवल जो है स्ट्रॉन्ग, यहाँ से मार्केट अपमूव दिखा सकता है और डबल टॉप पैटर्न के जैसे यहाँ से प्रिटेंड कर सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या था दोस्तों, दूसरा मैंने यहाँ से सिंपल ये ट्रेड लाइन बॉटम वाले भी ड्रॉ करके रखा हुआ था कि अगर मार्केट इस ट्रेड लाइन को नीचे की साइड में ब्रेक करता है, यानी कि ये ट्रेड लाइन ब्रेक कब होगी,
जब यहां से ये सपोर्ट लेवल है जो ये ब्रेक होगा, जब तक ये सपोर्ट, ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बार बार से मार्केट सपोर्ट ले रहा था, अगर ये ब्रेक होता है तो एक ट्रेड लाइन ब्रेक होगी, एक ट्रेड लाइन ब्रेक होती है, सपोर्ट ब्रेक होता है, तो फिर हमें यहाँ मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता था बैंक में। तो मार्केट ने यहाँ फॉल देख सकते थे यहाँ तक का, कहीं यहाँ तक का, तो मैं उस हिसाब से यहाँ इसको शॉर्ट करता। लेकिन यहाँ से अपसाइड में यहाँ ब्रेकआउट दिया तो हमने अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कराई और हमने अपना प्रॉफिट बुक किया मात्र 70 पॉइंट का, ठीक है दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया 1741 रुपए का। दूसरा पॉइंट क्या बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, मैं ये देखिए मार्केट ने अच्छी खासी अपर रेल दिखाई है, लेकिन एग्जैक्ट 50% के लेवल पर आकर के मार्केट ने अगेन सपोर्ट लिया हुआ है। तो दोस्तों ये जो लेवल है बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, कल के दिन भी अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट बुलिश रह सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।